अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? आई होप सो कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम समीर है और मेरे चैनल का नाम समीर मेडिकल्स है। तो आज से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो आज की मेरी फ़र्स्ट की वीडियो है जो है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपके साथ ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड, वो वाली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर आज का, कि हमारा लेक्चर क्या है। सो हमारा लेक्चर है जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन उसके जो जनरल इन्फॉर्मेशन हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास पहला ऑप्शन आता है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो कौन सा है? तो हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी का, वो है स्किन। क्या है लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे पास? स्किन। देन सेकंड हमारे पास होता है टोटल बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो वो है हमारे पास 206। एक जो यंग अडल्ट है, जो यंग है, उसकी ह्यूमन जो बॉडी में होती हैं बोन्स वगैरह, वो होती हैं 206। देन हमारे पास आते हैं टोटल मसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल होते हैं? वो होते हैं हमारे पास 639। कितने मसल होते हैं? 639 हमारे पास मसल होते हैं। देन उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आता है हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? लीवर। लीवर हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड आता है ह्यूमन बॉडी। देन हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आता है लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी की। तो लार्जेस्ट आर्टरी ह्यूमन बॉडी की होती है एरोटा। कौन सी होती है? एरोटा। देन सिक्स नंबर पे हमारे पास आता है रिवर ऑफ लाइफ। लाइफ की जो रिवर है वो कौन सा है? तो ये हमारे पास आता है ब्लड। क्या आता है? ब्लड। देन सेवन नंबर पे हमारे पास आता है नॉर्मल टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हमारे पास नॉर्मल, अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि लाइफ स्पेन ऑफ RBCs। RBCs जो होती हैं रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, RBC मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज। देन उसके बाद हमारे पास आता है लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। तो उनका लाइफ स्पेन हमारे पास कितना होता है? 10 to 15 days। उनका लाइफ स्पेन हमारे पास 10 to 15 days होता है। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वाला ऑप्शन जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है उसका लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो वो हमारे पास आता है सेरिब्रम। क्या आता है? सेरिब्रम। तो हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन हमारे पास सेरिब्रम आता है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ ऐसे ही लेक्चर शेयर किया करूँगा। तो ये मेरा लेक्चर था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।